हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारतीय सेना की अपाची हेलीकॉप्टर के बारे में, आने वाला दिन में क्या क्या अपडेट इसमें होने वाला जा रहा है और साथ ही साथ पाकिस्तान चाइना के लिए क्या खतरा हो सकता है और इसमें आने वाला दिन में भारत किस किस देश के ऊपर इस चीज़ को लेकर डील कर रहा है, वो सारी डिटेल आज की इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो अपडेट ये आ रहा है, भारतीय थल सेना यानी कि इंडियन आर्मी एविएशन फोर्स अपना अपाची अटैकिंग हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को अभी तक नहीं बना पा रहा है। अमेरिका की 6 अपाची हेलीकॉप्टर देने में देरी कर रही है। वजह क्या है? तकनीक दिक्कत और उसी सब से बताया जा रहा है। और यह स्क्वाड्रन पाकिस्तान की सीमा से पास मौजूद जोधपुर के सैन्य बेस पर बनाया जाया गया था। इसमें क्या क्या अपडेट आ रहा है मैं आपको बता दूं, पहले इसको विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय सेना का एक एविएशन फोर्स को अब भी अपना अपाची AH-64E अटैकिंग हेलीकॉप्टर का इंतजार है। अमेरिका से 6 हेलीकॉप्टर का बेड़ा आना था जो अब तक नहीं आ पाया है। यदि मैं बात करूं यहां पर तीन के बैच के, यहां पर यह बेड़ा आ रहा है कि जो स्क्वाडन था वो 2 स्क्वाडन में अपडेट होना था, 3 और 3 के बीच में। यह हेलीकॉप्टर भारतीय स्थल सेना को मिलना था वह यदि मैं बात करूं मई जून में, लेकिन अब तक नहीं आ पाया। तो इसके लिए मैं बता दूं कि यहां पर न्यू अपडेट सामने आ रहा है कि अमेरिका इसको डिले क्यों कर रहा है। भारत ने अमेरिका की फरवरी अपडेट के तहत यह आ रहा है कि भारत ने अमेरिका से फरवरी 2020 में 6 अपाची हेलीकॉप्टर की $800 मिलियन में डील की थी, यानी करीब 6,716 करोड़ रुपया। पहला ब्याज आने में यहां पर 3 महीने की देरी हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय और अन्य सूत्रों के हिसाब से यह बताया गया है कि अमेरिका में किसी तकनीकी वजह से यह देरी हो रही है। जिसमें बात करूं, फिलहाल अमेरिका की तरफ से यह स्पष्ट नहीं बताया गया है कि इनकी डिलीवरी की अगली तारीख कब आएगी। इस हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंटिन्यूसली फॉलोअप कर रहा है अमेरिका डिपार्टमेंट की तरफ से। सेकेंड अपडेट यह आ रहा है कि सेना को इस साल मई में जोधपुर के, जो अपडेट यह आ रहा है जोधपुर के गगलाव में, यहाँ पर यह अपडेट दे रहा है कि पहला अपाची स्क्वाड्रन बनाया था। इस हेलीकॉप्टर के जरिए पश्चिमी सीमा की सुरक्षा बढ़ाने की इरादा था, लेकिन फिलहाल इन सभी पर पानी फिर गया है। यह हेलीकॉप्टर अपनी ताकत, पावर, फायरिंग पावर, रेंज क्षमता और एडवांस टारगेट सिस्टम के तहत काफ़ी हद तक आगे जाना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास पहले भी 22 अपाची हेलीकॉप्टर है। इनके डील अलग अलग से 2015 में हुई थी, लेकिन सेना की इन हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, इसलिए सेना के लिए अगले से 6 हेलीकॉप्टर की डील की गई थी ताकि सेना की एविएशन फोर्स की ताकत को कहीं ज़्यादा इजाफा किया जाए। यदि हम बात करेंगे अभी भारतीय सेना के पास जो हेलीकॉप्टर है, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों सेना हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं कि आर्मी एविएशन फोर्स के पास और कौन कौन सा हेलीकॉप्टर अवेलेबल है। पहले जो हेलीकॉप्टर आ रहा है, एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है ध्रुव। यह एक स्वदेशी मल्टी रडार हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल कई तरह की मिशन के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, निगरानी और उसी हिसाब से खोजबीन और रेस्क्यू मिशंस के लिए भी किया जाता है। जैसे बाढ़ आ जाता है तो उसमें ध्रुव हेलीकॉप्टर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड अपडेट आ रहा है रुद्र। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और ये एक अटैकिंग वर्जन है, यानी हमला करने वाले हेलीकॉप्टर। इसमें क्लच एयर सपोर्ट के लिए हथियार लगाया गया है, साथ ही यह एक एंटी टैंक मिशन के लगभग की तरह काम करता है। इस हेलीकॉप्टर में आप देख सकते हैं दोनों तरफ से आप मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हो और इसमें आप गोली भी दाग सकते हो। आगे इसमें आपको एक छोटा सा राइफल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी हद तक गोली दागेगा और दुश्मन देश के लिए भारी पड़ेगा। उसके बाद आता है थर्ड नंबर में चीता और चेतक हेलीकॉप्टर। आप देख सकते हो चेतक हेलीकॉप्टर बेसिकल फ्रेंड्स पहाड़ी इलाका में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बड़े बड़े चट्टानों में ये एक हल्की हेलीकॉप्टर है। और मैं बता दूं कि इमरजेंसी सिचुएशन में चीता हेलीकॉप्टर काफ़ी हद तक मायनेमंद और बख्तरमंद रहता है। यदि मैं बता दूं, ये दोनों ही लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल मैं बता दूं रेस्क्यू और कोई आपाता सिचुएशन में, जैसे कोई हमारी सोल्जर की तबीयत खराब हो जाता है या जैसे गोली लग रहा है, तो उस हिसाब से ये तुरंत चीता हेलीकॉप्टर इसमें सही मायने में काम करता है। कैजुअलिटी और एवैक्यूएशन और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट और इनके तैनात, और आमतौर पर लद्दाख में इसको दिखाया जाता है। लद्दाख हो गया, हमारे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, ये सब पहाड़ी इलाका में ये अपना काम करता है। फोर्थ में है लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। देखिए ये एक अधिक ऊंचाई पर मिशन करने वाली हेलीकॉप्टर है। ये किसी भी तरह की हमलावर मिशन का हिस्सा बन सकता है ताकि जमीन सैन्य और टुकड़ी के सपोर्ट दे सके। और साथ ही साथ प्रचंड हेलीकॉप्टर दुश्मन देश के लिए काफ़ी हद तक भारी है। जब जब वार हुआ है तब तब प्रचंड हेलीकॉप्टर का सहायता लिया गया है।
उसके बाद यह ऑप्शन आ रहा है सेकंड में, फिक्स विंग विमान। देखिए एक ड्रोनियर 228 हल्का ट्रांसपोर्ट विमान है जिसका इस्तेमाल जिन्हें बता दूँ रिक्शानी और लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन ड्यूटी के लिए भी किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका मानव रहित एरियल हेल्की डिपार्टमेंट हेलीकॉप्टर की, जिसमें एक मीडियम एटीट्यूड और लगा होता है, जिसमें एक एडवांस यूएवी जिसका इस्तेमाल सर्विलांस और रेस्क्यू के लिए किया जाता है। सर्चर में आप बात करेंगे टैक्टिकल ड्रोन, ताकि कम रेंज में सर्विलांस और रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया जा सके। उसके बाद MI-17 का ऑप्शन आएगा, यह एक मीडियम लेफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल सैनिक को पहुंचाने के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मेडिसिन दूसरे देश से अन्य देश को ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। भारतीय सेना अपने रण कौशल में अपने आप को हर दिन, हर महीना, हर साल बेहतर कर रहा है, और इस हिसाब से हम बात करेंगे आने वाला दिन में जितने भी सारे महत्वपूर्ण मिशन आएगा इसको अंजाम देने के लिए भारतीय सेना सदैव सजा तत्पर और सदैव तैयार रहता है। और मैं बता दूं यह हेलीकॉप्टर जंगी मैदान या निगरानी करने के लिए, जासूसी से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए भी माहिर है। तो फ्रेंड्स आज के इस टॉपिक में हम अपाचे हेलीकॉप्टर की डिले की रीजन बताए, उसके अलावा भारतीय सेना के पास कौन कौन सा हेलीकॉप्टर है, उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, वो भी आज हम संक्षिप्त रूप से आप लोगों के साथ विस्तार किए। आने वाला दिन में ऐसे ही डिफेंस न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।